मुंबई महाराष्ट्र से पहली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 117 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की मुंबई में मौत नहीं हुई है। 24 घंटे में 706 एक्टिव मामले हैं जो मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, संजय निरुपम कांग्रेस नेता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी पर निरुपम ने कहा कि ये सरकार डरी हुई है इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है राज ठाकरे पर। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की अयोध्या दौरे को लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा अयोध्या जाने से पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। चाहिए थी कड़ी धाराएं लगाई जानी थी राज ठाकरे के खिलाफ, वो धाराएं नहीं लगाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार राज ठाकरे से घबराई हुई है, डरी हुई है। मेरा ऐसा मानना, मैं ऐसा अनुरोध करूंगा सरकार से कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है इस देश। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पावने MIDC में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक फैला धुआं। नवे मुंबई के पावने MIDC में लगी भीषण आग और आपको बता दें शुरुआत में रबर कंपनी में आग लगी थी, अब तक करीब 8 कंपनियों तक पहुंच चुकी है आग। कई किलोमीटर तक धुआं फैल चुका है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल की करीब 20 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। नवी मुंबई की लगभग सभी अग्निशमन दल की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे हाई कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता से मिलने हाई कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री, राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा के लिए पहुंचे थे सीएम उद्धव ठाकरे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई सेशन कोर्ट द्वारा राणा दंपति को दी गई जमानत के आदेश की कॉपी सामने आ गई है। इस आदेश में राणा दंपति को जमानत देते हुए कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। आदेश के मुताबिक राणा दंपति की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध थी। राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह का मामला सिद्ध ही नहीं होता। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रताप लोढ़ा लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे नवनीत राणा से की मुलाकात। नवनीत राणा लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट है। रवि राणा से भी मुलाकात कर नवनीत राणा की तबीयत के बारे में जानकारी ली। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने महाराष्ट्र की DGP रजनीश सेठ को मंत्रालय में बुलाया है। DGP और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल राज्य की कानून व्यवस्था और लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मनसे नेता राज ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि याचिका पर सुनवाई मुंबई उच्च न्यायालय की अवकाश विशेष पीठ के समक्ष होनी चाहिए क्योंकि अदालत की गर्मी की छुट्टी सोमवार से शुरू होगी। यह याचिका इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अध्यक्ष हेमंत पाटिल ने दायर की थी। जनहित याचिका में राज ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से मुंबई पुलिस कमिश्नर को कहा गया है कि राज ठाकरे को गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर करें, लेकिन अब तक मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। मुंबई पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं किया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नवनीत राणा की तबीयत में सुधार। उनके करीबी से मिली जानकारी के मुताबिक कल से उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन अभी भी शरीर में दर्द की शिकायत है। आज सुबह 11 बजे लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर दोबारा उनका चेकअप करेंगे। चेकअप के बाद रिपोर्ट में क्या आता है उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि डिस्चार्ज कब करना है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मनसे नेता संदीप देशपांडे के ड्राइवर को शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया। मनसे नेता संदीप देशपांडे और संतोष धुरी अभी भी फरार है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक महिला पुलिस कांस्टेबल को धक्का देकर भाग निकले थे। इस घटना में महिला पुलिस कांस्टेबल मामूली रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मनसे नेता संदीप देशपांडे, संतोष धुरी और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 308, 353 और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें ठगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई में। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता
और मंत्री नितिन राउत का भतीजा बता के लोगों से कर रहा है लाखों की ठगी। अब तक 11 लोगों के साथ कर चुका है ठगी। बिजली विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बाबा विश्वनाथ नगरी में अदालत के आदेश पर आज दोपहर 3 बजे काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होना है। इसके लिए कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे, लेकिन विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। एक महिला अचानक से गेट नंबर 4 पर नमाज पढ़ने लगी। महिला काफी देर तक नमाज पढ़ रही थी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने काफी इंतजार करने के बाद महिला को वहां से जबरन उठाया, साथ ही हिरासत में लिया। इस पर आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारत में कोरोना से मौत पर WHO की रिपोर्ट के हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। WHO की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना के चलते 47 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। राहुल गांधी ने कहा कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, राहुल गांधी क्या आने वाले समय में कांग्रेस का नेतृत्व कर पाएंगे या नहीं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए कुछ बेहद जरूरी फीचर्स को रोल आउट किया है। मैसेजिंग ऐप को बहुत पहले आई मैसेज जैसी इमोजी रिएक्शन पर काम करते हुए देखा गया था, लेकिन व्हाट्सएप ने अब आखिरकार फीचर को ऑफिशियल कर दिया है। इमोजी रिएक्शन के साथ व्हाट्सएप यूजर्स मैसेजिंग ऐप पर केवल 2 GB तक की फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हाट्सएप यूजर्स को अब व्हाट्सएप ग्रुप में 512 लोगों को जोड़ने की सुविधा भी देगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा पर सवाल उठाते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में मदरसों पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। आरोप लगाया कि मदरसों में कट्टरता का पाठ पढ़ाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया। कहा गया कि बच्चों के अंदर नफरत और कट्टरता फैलाई जा रही है, लिहाजा इन मदरसों पर पाबंदी लगनी चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेट्रो सिटी समाचार के कमेंट सेक्शन में कि क्या मदरसों पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, NCP नेता नवाब मलिक को एक बार फिर राहत नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट से उन्हें एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। मलिक लगातार कस्टडी से बाहर आने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उन्हें इससे सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, PMLA कोर्ट ने उनकी कस्टडी को 6 मई तक बढ़ाया था पहले। अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए PMLA कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन फिर बड़ा झटका लगा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, श्री काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौर और अन्य देव विग्रहों की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम शुरू हो चुका है। इस बीच सर्वे का विरोध कर रहे लोगों की नाराजगी भी सामने आई। उन्होंने वीडियोग्राफी और सर्वे करने पहुंची टीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, जब अदालत की ओर से नियुक्त कमिश्नर और टीम वहां पहुंची तो सड़क पर जमकर हंगामा भी देखने को मिला। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ले जाने के मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के CM केजरीवाल पर और पंजाब के CM भगवंत मान पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर व्यक्तिगत हिसाब चुकता कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के सर्वे की कार्रवाई के लिए अदालत कमिश्नर समेत हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकीलों ने अंदर प्रवेश किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मुस्लिम समुदाय के युवाओं की ओर से विरोध के साथ नारेबाजी हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद मुस्लिम पक्ष का कहना था कि पहले हर हर महादेव के नारे लगे, इसके जवाब में हमने भी नारे लगाए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वीडियोग्राफी होगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के 3
दिन के दौरे के बाद शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या का रुख किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमान गढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। महादेव के भक्तों के लिए आज से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। 6:25 के शुभ मुहूर्त पर हर हर महादेव और जय श्री केदार के उद्घोष के साथ मंदिर के द्वार खुले। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि यात्रा सफल रहे और सभी यात्री स्वस्थ व सुरक्षित रहें। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान कोलकाता में बीजेपी नेता का शव फांसी के फंदे से लटका पाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया की मौत को बीजेपी ने हत्या बताया। वहीं घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को भीमा कोरेगांव जांच आयोग के समक्ष कहा कि वाम पंथ एक विचारधारा है जबकि दक्षिण पंथ के लोग धर्म और जाति की खामियों का लाभ उठाते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत फैलाते हैं।